पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नशीली दवाइयों की बरामदगी के लिए सहायक आयुक्त औषधि के नेतृत्व में चार जिलों के औषधि निरीक्षकों की टीम ने छापेमारी कर तीन मेडिकल स्टोर मालिकों को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते पूरे शहर के मेडिकल स्टोर बंद हो गए। छापेमारी में मिनी ट्रक भरकर नशीली दवाइयां बरामद की गयी। कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सहायक आयुक्त औषधि आरपी पांडे के नेतृत्व में मुरादाबाद के औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक, रामपुर के औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा, बिजनौर जिले के औषधि निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार और अमरोहा के औषधि निरीक्षक राजेश कुमार टीम ने नगर में काशीपुर मुरादाबाद हाईवे पर नूर करीम होटल के सामने स्थित सरताज मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। एक औषधि निरीक्षक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और नशीली दवा खरीदी। 20 रुपए कीमत की दवा का 100 रुपया वसूलते ही औषधि निरीक्षकों की टीम ने पुलिस बल के साथ मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया। मेडिकल स्टोर मालिक जावेद मलिक और इदरीस मलिक उस समय कहीं गए हुए थे। जावेद के पिता मीरपुर मोहन चक में मूल निवासी हैं। पूर्व बीडीसी सदस्य हाफिज सलीम उस समय मेडिकल स्टोर पर बैठे हुए थे। टीम ने मेडिकल स्टोर से ट्रामाडोल इंजेक्शन और कई प्रतिबंधित दवाएं बरामद कर ली। टीम ने हाफिज सलीम को हिरासत में ले लिया और उन्हें कोतवाली लेकर पहुंची। उनका बेटा सलीम मलिक और इदरीस भी कोतवाली पहुंच गए। टीम ने हाफिज सलीम को छोड़ दिया। इसके बाद टीम ने कमालपुरी चौराहा स्थित शिवा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा तो यहां से प्रतिबंधित और नशीली दवाइयां बरामद होने लगी। टीम ने गोदाम का पता पूछा और शिवा स्टोर मालिक गिरिराज सिंह को साथ लेकर गोदाम पहुंचे। टीम ने यहां से एक मिनी ट्रक भरकर नशीली दवाइयां बरामद की हैं। 2012 से। क्या नाम है मेडिकल? इनके खिलाफ थाना कुंडा में पहले भी जो एनडीपीएस में मुकदमा करा है। ये आपको दवाई आपके पास बरामद हुई, क्या मामला पूरा क्या है? किस तरह से आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? आप तो होलसेल का नहीं है, है व्यक्ति किस तरह से सोच उत्तराखंड में पूरी सप्लाई करते हैं। सूचना मिली थी कि ठाकुर द्वारा काशीपुर रोड में बहुत सारी नशीली दवाइयाँ बिक रही हैं जो कि जनमानस के हित के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस सूचना पर हमने अपनी टीम बनाई। मुरादाबाद के सारे इंस्पेक्टर्स आए हैं, इंस्पेक्टर नरेश मोहन दीपक, इंस्पेक्टर बिजनौर आशुतोष मिश्रा, इंस्पेक्टर अमरोहा राजेश कुमार और इंस्पेक्टर रामपुर अनुरोध कुमार। गिरफ्तार हुए इसमें दो जगह छापेमारी की गई है। एक जगह दो गिरफ्तार हुए हैं और दूसरी जगह एक गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, किस तरह की दवाइयाँ यहाँ से बरामद की गई हैं? नार्कोटिक्स दवाइयाँ बरामद की गई हैं जिससे कि लोगों को नशे की आदत हो जाती है। ट्रामाडोल इंजेक्शन जो मैक्सिमम और इसका इस्तेमाल जहर खुलाने में भी होता है। एविल के इंजेक्शन मिले हैं, ट्रामाडोल के इंजेक्शन मिले हैं, टैबलेट्स मिले हैं, कफ सिरप्स मिले हैं, फेंसिडिल के सिरप्स मिले हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इनके विरुद्ध? नारकोटिक ड्रग्स के अंदर कार्रवाई की जाएगी, फायर की जाएगी और इनसे सारे रिकॉर्ड मांगे जाएंगे। यदि इनके पास लाइसेंस नहीं है तो ड्रग एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया जाएगा। सर, इस तरह की छापेमारी कब तक चलती रहेगी? ये लगातार चलती रहेगी छापेमारी। ऐसा है कि इसका हमको एक न्यूज चैनल के माध्यम से एक वीडियो क्लिप मेरे पास आई थी जिसके अंदर यहाँ लड़कों को, जवान लड़कों को, कम उम्र के बच्चों को इंजेक्शन अपने को इंजेक्ट करते हुए दिखाया था और उसकी प्राइमा फेशियल जानकारी ये मिली थी कि ठाकुर द्वारा क्षेत्र के अंदर चल रहा है। उस पर हमारे द्वारा जब विश्व सूत्रों को लगाया गया तो ये मामला निकल के आया कि यहाँ से उत्तराखंड को भारी मात्रा में नशे की औषधियाँ सप्लाई की जा रही हैं और ये केवल ठाकुर द्वारा है कि ये लिए मतलब जो बच्चे नशा कर रहे हैं उन्हीं को नहीं, पूरे उत्तराखंड में इसकी सप्लाई जा रही है। क्या गया? देखिए, अभी दो जगह छापेमारी की गई है और दोनों जगह से भारी मात्रा में आपके सामने रिकवरी हुई है और अभी इसमें विवेचना जारी है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इसमें? एनडीपीएस एक्ट के तहत तो मुकदमा कायम करा ही रहे हैं और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो लोग भी और निकल के इसमें आएंगे, हम लोगों के विश्वास सूत्र लगे हुए हैं, जो भी सूचना मिलेगी अपराधियों का एक ही स्थान है जेल, वो जेल जाएंगे। पर भी नहीं, अभी तो ये मेरी नववर्ष की शुभकामनाएं है, पहली है, उसके बाद तो पूरा नववर्ष पूरे साल चलेगा, जो जो लोग भी अपराधी होंगे सारे जेल जाएंगे।